हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं शबाना, वेलकम टू माय गार्डन। ये जो आप प्लांट देख रहे हो, ये वही प्लांट है जो डायबैक का शिकार हुआ था और आपके सामने मैंने इसको रिपोर्ट करके दिखाया था। और आज 6 दिन हो चुके हैं, इसमें ग्रोथ निकल कर आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें नए फुटाव शुरू हो गया है और आप इसका मीडिया देख सकते हो। ये मीडिया पूरा सैंडी मीडिया मैंने इसको प्रोवाइड किया है। वेल ड्रेन्ड सॉइल इसको इस बार मैंने दिया है। इसका सॉइल को पूरी तरह से चेंज करके मैंने इसको नया सॉइल मिक्स दिया है और सुबह ही पानी दिया था मैंने, तो शाम होते होते आप देख सकते हो इसका पानी पूरा एवेपोरेट हो गया है ऊपर से लगभग 2 इंच। ये देखिए, ये नीचे मॉइस्ट है, ऊपर से ये इतना सूख चुका है। तो ये सॉइल रोजेस के लिए बेस्ट है। तो देखते हैं आगे ये सॉइल के देने के बाद मेरा प्लांट कैसे रिएक्ट करता है और कैसे ये अपना रिजल्ट मुझे देता है निकाल कर। मैं कितना सक्सेस होती हूँ अपना ये स्टेप लेने के बाद। तो चलिए, आज मैं इसमें रूट ट्रीटमेंट करने वाली हूँ। तो रूट ट्रीटमेंट के लिए मैं जो इसमें देने वाली हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। चलिए, मैं दिखाती हूँ आपको। तो रूट ट्रीटमेंट के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 लीटर पानी, ये है ह्यूमिक एसिड, ये है बेबिस्टिन। इस बार मैंने साफ को लिया नहीं है, साफ फंगीसाइड के बदले मैंने इस बार बेबिस्टिन ऑर्डर किया था। बेबिस्टिन पाउडर मैंने लिया है। ये है रूटिंग हार्मोन, रूटेक्स है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ये। तो ये तीनों को मैं आज रूट ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करूँगी। तो 1 लीटर पानी में मैं यहाँ डाल रही हूँ ये ह्यूमिक एसिड, 1 ग्राम बेबिस्टिन भी मैं ले रही हूँ, 1 ग्राम और रूटिंग हार्मोन मैं यहाँ ले रही हूँ 0.5 ग्राम। तो इन तीनों को डालकर हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। रूटेक्स नया रूट निकलने में हेल्प करेगा। ह्यूमिक एसिड प्लांट में जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है वो पूरा देगा, सॉइल को अच्छा बनाएगा और जो भी हम इसे फर्टिलाइज़र देंगे वो रूट इसके डालने से रूट उसे अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाएगा। और बेबस्टिंग जो भी ख़राब फंगिसाइड फंगस होगा, ये वो फंगिसाइड है, तो उसको वो मारेगा और प्लांट को हमारा सेफ जोन की तरफ लेके जाएगा। तो ये पानी जो मिक्स हम तैयार करें हैं इसको हम इसके रूट जोन में डाल देंगे। तो ये है रूट ट्रीटमेंट, ताकि हमारा रूट सेफ रहे और प्लांट अच्छे से ग्रो हो सके। इसमें नया नया फाइबर रूट आएगा, वाइट रूट निकलेंगे और वाइट रूट जब निकलेगा तो हम जो भी फीडिंग करेंगे तो प्लांट उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट हमारा अच्छा से ग्रो होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो रूट ट्रीटमेंट मैंने किया है, ये मैं अभी 1 महीना कंटिन्यूस करने वाली हूँ। वीक में 1 बार मैं ये ट्रीटमेंट प्लांट को दूंगी। अभी मैं इसमें कोई फीडिंग नहीं दूंगी, फीडिंग मैंने स्टॉप कर दिया है। सिर्फ इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करती हूँ और 10 दिन में एक बार इसमें फंगिसाइड देती हूँ, फंगिसाइड का स्प्रे करती हूँ। फोलियर स्प्रे में इसमें मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, वो स्प्रे करती हूँ, करूँगी। अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, ये सारे फीडिंग मैं स्टार्ट करूँगी। फिलहाल मैं अभी रूट ट्रीटमेंट कर रही हूँ, तो ये रूट ट्रीटमेंट को मैं 1 महीना कंटिन्यूस करूँगी। हर हफ्ता मैं इसमें ये ट्रीटमेंट दूँगी ताकि मेरा प्लांट का रूट अच्छे से बन सके और प्लांट में अच्छा से ग्रोथ आ सके। और बीच बीच में मैं इसमें फोलियर स्प्रे भी दूँगी मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का और पीजीआर में मैं मिराकुलन स्प्रे करती हूँ और फंगीसाइड ज़रूरत पड़े तो फंगीसाइड दूँगी। हालाँकि अभी सनलाइट अच्छा आ रहा है, पर बीच बीच में मौसम चेंज होता है तो कोई चीज़ का मैं इसमें रिस्क नहीं लेना चाहती। तो मैं 15-20 दिन में एक बार इसमें फंगीसाइड स्प्रे करूँगी। होप फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए। तो देखते हैं आगे मुझे इसका रिज़ल्ट कैसा मिलता है। मैं वीडियो थोड़ा लेट से पोस्ट करती हूँ, वो इसलिए ताकि मैं जो स्टेप जो फॉलो करती हूँ, पहले मैं खुद उसका रिज़ल्ट देखती हूँ। उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है, ख़राब आता है, जो भी आता है वो रिज़ल्ट आने के बाद मैं शेयर करती हूँ। नहीं तो ऐसा नहीं कि मेरा जो प्लांट का हाल हो रहा है वही हाल आपके प्लांट का भी हो जाए।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए। मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।